तो ये सीरीज मल्टीपल इमेजेस वाली है, लेकिन जो कि ये सीरीज बहुत अच्छी है इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर किसी यूट्यूबर ने इसे एक्सप्लेन कर रखा है तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये एक लेजेंडरी सीरीज है, इसीलिए मैं इसे पूरी एक्सप्लेन करूंगा। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि पोंगुआ गॉड ने हेवन को सेपरेट करके अलग कर दिया। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि हेवन्स के स्प्लिट होने के बाद ये दुनिया बनी। शुद्ध और अशुद्ध को केओस से अलग करने के बाद इस दुनिया में जीवन उत्पन्न हुआ, और वो समय चल रहा था डिमोनिक एरा का, जिसमें डीमंस फल फूल रहे थे, और डीमन के बढ़ने के साथ डिमोनिक जादू टोना भी बढ़ने लगा। डीमंस सभी जगह पर फैल गए, जबकि ह्यूमंस दुबक कर एक कोने में बैठे थे। फिर तीन सावरंस आए जिन्होंने पांच एम्परर्स के साथ मिलकर डीमंस से फाइट की और उनका सफाया कर दिया। जिंदा बसे लोगों को विंड फॉरेस्ट में सील कर दिया गया, और फिर शुरुआत हुआ शांति और ह्यूमंस का एरा। और इस डिमोनिक एरा के बाद लोगों ने कल्टीवेशन की इम्पोर्टेंस को समझा और अनगिनत कल्टीवेशन के तरीके निकाले। फिर हमें सिटी के बारे में बताया जाता है, द इमॉर्टल सिटी, जो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस से घिरी हुई है और ह्यूमंस को धार्मिक लोग प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। और इस माउंट क्यूआई की तलहटी में एक छोटा सा विलेज है, और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। उसी विलेज में एक आदमी सभी बच्चों की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, जिसका पूरा नाम स्टोन टैबलेट ब्रेकर लिंताओ होता है। लिंताओ सभी बच्चों से कहता है, अपने माइंड पर फोकस करो और अपनी लिमिट को सरपास कर दो, एक सच्चा आदमी ही ऐसा कर सकता है। फिर वो सभी को इसी तरह ट्रेनिंग देने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं, इस विलेज के बच्चे बहुत कमजोर हैं, इनकी तुलना सिटी के बच्चों से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इनमें से कई अच्छे हंटर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें और बेहतर होना होगा। तभी एक बच्चा नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया, आज के दिन तो बहुत ट्रेनिंग कर ली। तभी लिंताओ आ जाते हैं और कहते हैं, ओह तो ऐसी बात है। फिर उनकी नजर एक लड़के पे जाती है जिसका नाम लिन सायू होता है। लिंताओ कहते हैं, लिन सायू हार्ड वर्किंग है, इतने चैलेंजेस के बाद भी वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा है, उसके पास पोटेंशियल है, ये एक गिफ्ट है। अगर ये इस विलेज को छोड़कर किसी नोबल फैमिली में पैदा हुआ होता तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। लिन सायू को ट्रेनिंग करते हुए देखकर वहां के सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, वो इस विलेज का मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है। तभी वहां पर हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम लिंग फेन होता है, जो कि एक मैनुअल लेबर होता है। तभी उनमें से वो मोटा कहता है, देखो वो अनाथ आ गया, वो यहाँ फिर से ट्रेनिंग को देखने के लिए आया है, उसे एक ओल्ड मैन माउंटेन से उठा के लेके आया था। फिर वो लिंग फेन के सामने आके खड़ा हो जाता है और हंसते हुए उससे कहता है, मैंने सुना है कि वो ओल्ड मैन 3 साल पहले बीमारी से मर गया, जिससे अब तुम खाने के लिए मैनुअल लेबर का काम करते हो, कोई तुम्हें नहीं चाहता, तुम मैनुअल लेबर की गंदगी से घिरे हो। ये कहकर वो कुछ पत्थर को उसके बकेट पे मारता है, जिससे लिंग फेन का बैलेंस खराब होता है और उसकी बकेट से पानी थोड़ा सा गिर जाता है। ये देखकर वो सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी उन पर लिंताओ का ध्यान जाता है, जिससे वो उस मोटे बंदे को जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या यही है तुम्हारे बड़े विचार। तभी लिंग सायू की नजर भी लिंग फेंग पर पड़ती है, जिससे वो लिंग फेंग के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो। लिंग फेंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सायू उसकी मदद करने लगता है और उससे कहता है, लाओ एक बकेट को मैं ले लेता हूँ, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन वो बकेट बहुत भारी होती है। सायू कहता है, ये बहुत भारी है, झरना यहाँ से 2 मील दूर है और उसे हर रोज दर्जनों बाल्टियां ढोनी पड़ती हैं। लिंग फेंग की मदद करते देखकर लिंगताओ कहते हैं, केवल सायू ही लिंग फेंग की तरह है। फिर वो जोर से चिल्लाते हैं, हम सभी यू विलेज के डिसाइबल्स हैं और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए, अब ट्रेनिंग के लिए वापस चलो। फिर सायू उस पानी से भरे बकेट को उस बड़े से कॉल्ड्रन में खाली कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत थक जाता है, जिसे देख कर लिंग फेंग कहता है, बाकी का मैं देख लूंगा, जिस पर सायू कहता है, ठीक है तो फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है, साथ ही मन में कहता है, हर दिन उसे इतना बोझ उठाना पड़ता है, उसने इसे 2 सालों तक कैसे मैनेज किया होगा। फिर सीन कट होता है और बारिश का दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा आसमान काला हो रखा होता है, ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने आसमान को काला कर दिया हो। और उसी जोरदार बारिश में लिंग फेंग भाग रहा होता है, जो लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया था। लिंग फेंग कहता है, पता नहीं कैसे लकड़ी काटने के बाद मैं सो गया, अब मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए। तभी उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है। लिंग फेंग कहता है, कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे शॉर्टकट से जाना चाहिए। और उस फॉरेस्ट को डार्क फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ पर आने के लिए रोक लगी हुई है। गाँव वालों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके अंदर जाएं। फिर सिंचन धीरे धीरे उस जंगल के अंदर बढ़ने लगता है और कहता है, ये जंगल बहुत भयानक है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। फिर वो अपने आप को दिलासा देने लगता है और आगे कहता है, शांत हो जाओ, भूत नहीं होते हैं। तभी भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लिंग फेंग कहता है, क्या किसी भूत ने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक पेड़ की जड़ होती है। लिंग फेंग कहता है, बेवकूफ जड़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे रास्ते में आओ। ये कहकर जोर जोर से वो उसमें लात मारने लगता है। फिर सीन कट होता है और जिंगचेन अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसके लिए खाना लेके आती है। लिंग फेंग कहता है, लूफी ये क्या लेके आई हो तुम। लूफी कहती है,
मेरी मदर ने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। तुम देर से वापस आए हो और मुझे लगा कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा। उस खाने को देखकर लिंगफेंग की राल टपकने लगती है और वो लूफी से कहता है, आंटी को मेरा धन्यवाद कहना और ये कटोरा मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। फिर लूफी कहती है, तो ठीक है ये कटोरा तुम कल वापस कर देना, फिर मिलते हैं। ये कहकर वो बाय बाय करते हुए वहां से चली जाती है। लूफी के जाते ही लिंगफेंग भुक्कड़ों की तरह उस खाने पर टूट पड़ता है और उसे जल्दी से सफर चट कर देता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये मीट बहुत अच्छा था। फिर वो उसी ओल्ड मैन के बारे में सोचने लगता है जो उसे माउंटेन से यहाँ लेके आया था और वो आगे कहता है, अगर ग्रैंडपा यहाँ होते तो सबसे अच्छा हिस्सा मुझे खाने को देते, फिर वो मुझे गॉड और डीमंस के हेवन की कहानियां सुनाते। तभी वो अपने गले पर हाथ रखता है और अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है, मेरा पेंडेंट कहाँ है? जब ग्रैंडपा मुझे पहाड़ से उठाकर लेके आए थे तो वो मेरे हाथ में था, वही एक ही चीज है जो मेरे पेरेंट्स की निशानी है। फिर उसे याद आता है कि शायद भागते हुए उसका लॉकेट गिर गया हो और चिल्लाते हुए कहता है, लगता है वो पेंडेंट उसी जंगल में गिर गया है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है, लेकिन वो उस जंगल के बारे में सोच के डरने लगता है और कहता है, बहुत रात हो चुकी है, नहीं नहीं मैं एक आदमी हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ, भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। फिर वो भागते हुए उसी जंगल में आ जाता है और चारों तरफ अपना पेंडेंट ढूंढने लगता है। लिंगफेंग कहता है, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इतना ढूंढने पर भी उसे वो पेंडेंट नहीं मिलता है, जिसे वो चोर से चिल्लाता है और कहता है, इतने बड़े जंगल में मैं इस पेंडेंट को कैसे ढूंढूं। तभी उसे पीछे से झाड़ियों से आवाज आती है, जिससे वो उसी की तरफ बढ़ने लगता है और सामने उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस पेड़ के पास जाने लगता है। लेकिन वहीं पर एक गड्ढा होता है जो पत्तियों से ढका होता है। लिंगफेंग उसके ऊपर पैर रखता है और वो नीचे गिरने लगता है। वहां पर बहुत सारी बेल होती है जिन्हें तोड़ते हुए लिंगफेंग नीचे आ गिरता है। लिंगफेंग कहता है, ये तो बहुत ही दर्द कर रहा है, क्या मैं मर गया हूँ? तभी ऊपर से एक पत्थर सीधा सिंचन के मुंह पे गिरने लगता है, जिसे देखकर लिंगफेंग जल्दी से उठकर उसे अवॉइड कर लेता है। लिंगफेंग कहता है, ये तो बहुत करीब था, मैं तो इस पत्थर के टुकड़े से मरने ही वाला था। फिर लिंगफेंग अपनी मसाल उठाता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है, जो कि एक बड़ी सी केव होती है, जिसे देखकर लिंगफेंग कहता है, यहाँ अंडरग्राउंड तो इतनी बड़ी केव है, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि इस डार्क फॉरेस्ट में इतनी बड़ी केव है। तभी सामने अंधेरे में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो जब ध्यान से देखता है जो कि उसका पेंडेंट होता है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ भागता है और खुश होकर उसे उठा लेता है और कहता है, ये पेंडेंट यहाँ कैसे आया? लगता है कोई जानवर यहाँ पर इसे उठा के लेके आया है, चलो छोड़ो इसे, अब मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। फिर वो एग्जिट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ जाते हुए उसे ठंड लगने लगती है। तभी वो चलते चलते उसी एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ से बहुत सारी ठंडी हवाएं निकल रही होती है। जब जिंगसेन उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बड़ी सी आइस केव होती है। फिर लिंगफेंग उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। तभी उसे वहाँ पर आइस बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर फ्रोस्ट जमी होती है। फिर लिंगफेंग उसे साफ करता है तो उसके अंदर एक लड़की होती है, जिसे देखकर लिंगफेंग हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक आइस कॉफिन है। फिर लिंगफेंग उसे देखने लगता है और कहता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इस कॉफिन के अंदर क्या कर रही है? फिर लिंगफेंग उस कॉफिन को फिर से टच करता है, लेकिन उसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसके ब्लड की एक बूंद उस कॉफिन पर गिर जाती है और उस कॉफिन की दरार में एक सीड होता है और लिंगफेंग का ब्लड उसी सीट से टच हो जाता है और वो कॉफिन चमकने लगता है, जिसे देखकर लिंगफेंग हैरान हो जाता है। तभी उस कॉफिन से जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और वो कॉफिन फट जाता है, जिसकी फोर्स से लिंगफेंग उड़ते हुए पीछे आ गिरता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जब वो धूल हटती है तो वो लड़की सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर लिंगफेंग ब्लस करने लगता है। फिर वो लड़की लिंगफेंग की तरफ देखती है और उससे कहती है, क्या तुम ही थे जिसने मेरे कॉफिन को खोला? लिंगफेंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं था। फिर लिंगफेंग मन में कहता है, क्या ये कोई घोस्ट है या फिर ह्यूमन? मैंने सुना है कि घोस्ट ह्यूमंस की यांग केवाई को खाते हैं, लेकिन अगर इस जैसी प्रीटी घोस्ट मेरी कुछ यांग केवाई को खा ही लेती है तो क्या फर्क पड़ता है? फिर वो लड़की लिंगफेंग के पास आती है और उससे कहती है, कौन हो तुम? साथ ही वो मन में कहती है, ये लड़का मेरी ही उम्र का लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों डीमन सीड इसे देखकर रिएक्ट कर रहा है। इसके ब्लड ने प्रिमोर्डियल डीमन सीड को एक्टिव कर दिया है, इसने आइस कॉफिन की सील को भी तोड़ दिया है, मुझे इस लड़के को टेस्ट करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं इस एपिसोड को और भी बड़ा बनाता, लेकिन देख सकते हो कि आवाज़ नॉइज आ रही है बैकग्राउंड में, तो यहीं पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। इसका एपिसोड जल्द ही कल आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि दिन में दो वीडियो डालूं और सभी को मेरी दिल वाली चुम्मी।